अरे आदित बूम नहीं चल रहा 20 साल ये सबसे पहले तो यही कहूंगा कि हर साल पापा जब आते हैं घर पे तो सबसे पहले वो दिन याद आता है जब पहली दफा पापा को लेने गए थे। मुझे याद है बाइक थी मेरे पास और हम ढूंढ रहे थे कि पापा को लेकर आना है, क्या विधियां हैं, क्या किस तरीके से पूजा होती है, कुछ पता नहीं था तो गूगल पे देख रहे थे, दोस्तों से फ़ोन करके पूछ रहे थे कि किस तरह से हो। और फिर आज का दिन है जब सब दोस्तों को हम लोग बोलते हैं कि घर पे पापा को लेके आए और यू नो किस तरह ज़िंदगी बदली है और हमारी मेरे दोस्तों की बदली जो जो घर पे पापा लेकर आए। तो मेरा बहुत एक अटूट विश्वास है और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये वो दिन होते हैं जो जिसका पूरे साल हम इंतज़ार करते हैं और किस तरह बड़ी तेज़ी से बीत भी जाते हैं और फिर अगले साल का इंतज़ार होता है। तो इन 20 साल कब बीते मुझे आज भी विश्वास नहीं होता कि जब मैं कहता हूँ कि मुझे 20 साल हो गए जब पहली दफ़ा पापा घर पर लेकर आए। मैं हमेशा सोनाली को ये डिपार्टमेंट संभाल देता हूँ क्योंकि अभी वो मास्टरी हो चुकी है, उसकी लेजेंड बन चुकी है वो डेकोरेशन में और पापा चुनने में। तो इस बार गो ग्रीन का हमने थीम रखा था कि नेचुरल रखा जाए, प्योर रखा जाए, फ्लावर्स हो, ग्रीनरी हो। तो पापा भी आई थिंक वही चाहते हैं कि जो पूरी दुनिया है हमारी, पूरा जो देश है वो गो ग्रीन पे विश्वास करें। एंड सोनाली ने वही जहन में रखकर डेकोरेशन को प्लान किया, पापा को चुना गया, जैसे वाइट है, प्योरिटी है, लंबोदर उसको बोलते हैं, इसलिए थोड़ा येलो कलर भी रखा गया है। सो आई थिंक उसके अंदर काफ़ी डिटेलिंग है सोनाली की एंड शी हैज मास्टर्ड द डेकोरेशन नाउ। खास बात ये होती है कि आप सब लोग घर पे आ जाते हैं वरना नहीं आ पाएंगे हमारे हाथ में। बड़ा अच्छा लगता है, यू नो आई ऑल्सो लुक फॉरवर्ड कि आप सब लोगों से मुलाकात हो और यू नो आप सब भी यू नो इस परिवार का हिस्सा है। जिस तरह हम गणपति बप्पा का इंतजार करते हैं उस तरह आपका भी इंतजार करते हैं कि आपको भी ब्लेसिंग्स और आपके भी सब सपने पूरे हों। सो आई थिंक दैट मेक्स बप्पा वेरी स्पेशल। तो यू नो बड़ा मैं सुबह ही वैसे जिम जाके आ चुका हूँ, मुझे पता है कि अभी बड़े कमाल के होममेड मोदक हैं और बेसन के लड्डू हैं जो मेरे फेवरेट रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से फिटनेस का जो मशाल संभाली हुई है उसका मैं अपना काम करके आ गया हूँ फिर से और अभी मिठाइयाँ खाने का वक्त आ गया है। पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन दिनों में सोचना नहीं चाहिए क्योंकि पापा की जब मिठाई खाएंगे तो आप और फिट ही होंगे, तो आपको कैलोरीज के बारे में सोचना नहीं चाहिए इन दिनों में। थैंक यू सो मच आप सबको भी और एक बार जोर से बोला चाहिए। अच्छा क्या बात है, अभी तो एंट्री शुरू किया है, अभी तो एंट्री हुई है, सबसे क्लाइमेक्स शुरू हो रहा है। गौरव भाई थोड़ा पीछे ना, भाई मेरे में आगे हुआ है। आप क्या जब आते हैं बड़े ही सरल भाव से आप सारे मेहमानों का स्वागत करते हैं और श्रद्धा भाव लगता है पूरे यहां पे, एक बड़ी वार्मथ वाली फीलिंग आती है। दिस हैज टू अलवेज मोरी विद द डिवोशन। आई डोंट नो मे बी एक मुझे याद है कि जब घर से हम लोग निकले थे इस शहर में वर्क करने के लिए तो पेरेंट्स ने एक चीज़ ज़रूर हम लोगों को सिखाई थी कि जो यू नो कोई भी शहर में चले जाओ, कोई भी प्रोफेशन में चले जाओ, लेकिन बदलाव नहीं आपके अंदर आना चाहिए। जो हमने कुछ आपको थोड़ा बहुत सिखाया है उसको हमेशा बरकरार रखें। तो शायद उनकी जो सिखाए हुए लेसन्स हैं वो आज भी हमें हमेशा आपके साथ जुड़े रखते हैं। बट आई ऑलवेज बिलीव कि ये आप लोगों का प्यार भी होता है जो विच मेक्स अस रिएक्ट लाइक दैट। और मैं हमेशा कहता आया हूँ और हमेशा मानता आया हूँ कि ये पापा को तो हम लोग सब घर पे लेकर ही आते हैं, बट आई थिंक पापा के कारण हम लोग आप लोगों से भी मिलते हैं और आपकी जो अफेक्शन होती है वो पूरे साल हम लोगों के लिए रहती है। तो आई थिंक ये समय वो तब होता है जब हमें आपका ध्यान रखना चाहिए। मैंने भी एक्चुअली मैं भी सरप्राइज था जब मैंने पहना तो इसलिए पहना हुआ, मैंने बोला कि अचानक कैसे बन गया। तो बट आई थिंक वो बाय चांस जनरली ऐसे ही आई थॉट इट वाज नाइस मसाला कलर इज लाइक रियली नाइस। और इस बार जो सुमित ने भी शर्ट पहनी वो भी कुछ इसी कलर की फैमिली की है तो हमने बोला कि क्यों ना पहले चुना जाए। ये कोऑर्डिनेशन बहुत मस्त होनी चाहिए भाई। देखिए मैं हमेशा मानता हूँ कि सेहत अच्छी रहे, खुश रहे सब लोग,
और जो भी जिनके सपने हैं, चाहे कैमरे के आगे वालों के या कैमरे के पीछे वालों के, वो सब पूरे हों और ऐसे ही जगमगाते रहो और हमेशा लाइमलाइट में रहो आप लोग भी सब। और भगवान ने हमेशा गाइड करके यहाँ तक पहुँचाया है और ऐसे हमेशा गाइड करते रहें, जो हम डिजर्व करते हैं वही हमें मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। और वही कहूँगा कि जो मार्गदर्शक रहे हैं हमेशा, वैसे ही हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहें। मैंने अभी एक फिल्म या अभी रिलीज हुई फिल्म कुरुक्षेत्र, जिसमें मैंने अर्जुन की भूमिका निभाई है, बड़ा अप्रिशिएट हुआ। बड़े सालों से सोचता था कि एक माइथोलॉजिकल फिल्म करनी चाहिए, इन फाइनली इट हैपेंड। और पीवी सिंधु जी के ऊपर अब तैयारी है, पूरी वर्ल्ड चैंपियन बन गई है अब तो? बिल्कुल, आप बस तैयारी रखें, आप जब तक आप गणपति बप्पा से यू नो इस आशीर्वाद लेंगे तब तक वापस आपको बुलावा आ जाएगा दोबारा मिलने के लिए। अक्षय जी हैं उसमें, अक्षय कुमार जी नहीं इसमें तो वो पता नहीं, लेकिन आप जरूर रहेंगे, ये मैं पक्का वादा करता हूँ। बहुत ही आदर सम्मान के साथ आप सबका स्वागत करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही प्रेम है आपके साथ में सोनू, और सबकी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।